भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 210 रनों की पारी खेलकर पूरे विश्व क्रिकेट में सनसनी मचा दिया है और अपनी इस 210 रनों की पारी के साथ ही ईशान किशन वनडे मैचों के इतिहास में अपने नाम कई नए रिकॉर्ड को दर्ज कर लिया है और अपने इस 210 रनों की पारी के साथ ही ईशान किशन क्रिकेट के भगवान के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और वनडे मैचों के इतिहास में लगभग एक दशक से अधिक समय तक सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज के नाम था उस रिकॉर्ड को भी ईशान किशन ने अपनी इस पारी की बदौलत तोड़ दिया है और ईशान किशन अपनी इस पारी के साथ ही वनडे मैचों के इतिहास में 200 से अधिक रन मारने के मामले में भारत के चौथे नंबर के बल्लेबाज तथा दुनिया के सातवें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों, ईशान किशन ने अपनी इस 210 रनों की पारी के साथ ही वनडे मैचों में कौन कौन से नए रिकॉर्ड को बनाए हैं और दुनिया के कौन कौन से बल्लेबाजों के रिकॉर्ड को तोड़े हैं और इस पारी की पूरी हाईलाइट को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों की जबरदस्त तरीके से कुटाई करते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 131 गेंदों पे 210 रनों की पारी खेलकर पूरे विश्व क्रिकेट में कोहराम मचा दिया है। इस पारी के दौरान ईशान किशन ने 24 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं और अपनी इस 210 रनों की पारी के साथ ही ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में लगभग एक दशक से अधिक समय तक ना टूटने वाला 194 रनों का रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सईद अनवर के नाम था उस रिकॉर्ड को ईशान किशन ने अपनी इस पारी के दौरान तोड़ दिया है और साथ ही में क्रिकेट के भगवान के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का वनडे मैचों में पहला 200 रन बनाने के रिकॉर्ड को ईशान किशन ने अपनी इस पारी के साथ ही तोड़ दिया है। ईशान किशन वनडे मैचों में 200 से अधिक रन बनाने के मामले में चौथे नंबर के भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले वनडे मैचों के इतिहास में भारत की तरफ से 200 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग तथा रोहित शर्मा के नाम था। जिस समय सचिन तेंदुलकर नबाद 200 रन, वीरेंद्र सहवाग 219 रन तथा रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे और अपनी इस पारी के साथ ही ईशान किशन वनडे मैचों के इतिहास में 200 से अधिक रन मारने के मामले में दुनिया के सातवें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। जिसमें मार्टिन गुप्टिल 237 रन, वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल 215 रन, फखर जमान 210 रन, सचिन तेंदुलकर 200 रन, वीरेंद्र सहवाग 219 रन तथा रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए हैं। तो दोस्तों, इस मैच में आपको ईशान किशन की बल्लेबाजी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें और यदि इस मैच में आपको ईशान किशन की बल्लेबाजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्रिकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।